अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बाखैरियत होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो एक प्रॉब्लम शेयर करने लगा हूँ वो है लेनोवो थिंक पैड लैपटॉप है T550। इसका कीबोर्ड इशू कर रहा है। इसका कीबोर्ड को रिप्लेस करने का मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। और रैम अपडेट करनी है आपने, SSD अपडेट करनी है, तो वो कैसे होगी। सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोलेंगे। बैटरी को निकाल लें। ये बैक कवर इसका ओपन हो गया। रैम आपने अपडेट करनी है या SSD, जो भी है आप इजीली कर सकते हैं। अब हम कीबोर्ड को निकालेंगे। कीबोर्ड निकाल लिया। ये दूसरा कीबोर्ड हमने मंगवा के रखा हुआ है, ये अब हम इसको लगाएंगे। तो व्यूअर ये था इसका सिंपली आपको तरीका बताने का। ये था मार्केट कि आपका अपना लैपटॉप अगर है तो उसमें कोई इश्यू वगैरह आ जाता है, उसकी रैम अपडेट करनी है या उसके आपने SSD अपडेट करनी है या फिर उसका कीबोर्ड का इशू है,
या फिर बैटरी का, तो आप इसको इजीली आप खुद इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त आता हूँ। अच्छा, तो ये वीवर्स कीबोर्ड चेंज करने का आपको तरीका बताती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये एहतियात करनी है कि आपने कीबोर्ड को आराम से और सुकून से निकालना है, क्योंकि कीबोर्ड के लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको बहुत एहतियात से आपने उसको उसमें से निकालना है। दूसरा ये है कि इसके कीबोर्ड की स्ट्रिपें दो लगी होती है, एक न्यूमेरिक की अलग स्ट्रिप लगी होती है और अल्फ़ाबेट की अलग स्ट्रिप लगी होती है। उसका ये समटाइम ये होता है कि न्यूमेरिक काम नहीं करता या कुछ इस तरह का है, उसका जो कनेक्टर वगैरह है वो आप देख लें, जो उसकी केबल जहाँ पर लगी होती है स्ट्रिप, उस स्ट्रिप को चेक कर लें, स्ट्रिप में कार्बन वगैरह आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके साथ इस लैपटॉप में T580 लिनोवो, इसमें आप जो रैम अपग्रेड कर सकते हैं, 2 स्लॉट होती है रैम की, इसमें आप 16 GB की 2 रैम लगा सकते हैं, 32 GB तक ये सपोर्टेड है। और इसके अलावा इस लैपटॉप में बैटरी, ड्यूल बैटरी की ऑप्शन होती है, एक बैटरी इसकी जो एक्सटर्नल लगी होती है जो बाहर की तरफ जो आप निकालते हैं, दूसरी इसकी बैटरी जो होती है वो इसकी इंटरनल लगती है। अगर इंटरनल किसी लैपटॉप में नहीं लगी है तो आप इसकी इंटरनल भी लगा सकते हैं, जिससे ये इस बैटरी का बैकअप ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें SSD 2.5 ये भी ऑप्शन है, वो भी आप लगा सकते हैं। SSD और हार्ड ड्राइव में फ़र्क ये होता है कि हार्ड ड्राइव की स्पीड स्लो होती है और SSD की स्पीड फास्ट होती है, जिसकी वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क पड़ता है। उस लिहाज से आप इसको चेक कर लें, अगर इसके स्लो हो, हार्ड ड्राइव लगी हो या जो भी हो, तो इसमें SSD की ऑप्शन है, 2.5 की SSD आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा इस लैपटॉप के जब कीबोर्ड, अगर सम टाइम ये होता है कि कीबोर्ड आप देख रहे हैं इसके अल्फ़ाबेट भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे या वो अल्फ़ाबेट काम नहीं कर रहा है, तो इसका उसकी भी स्ट्रिप आप चेक कर लीजिएगा सबसे पहले, कि स्ट्रिप चेंज करने से भी ये स्ट्रिप के जो कार्बन वगैरह आने की वजह से वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो आप चेक कर लें। अगर वो स्ट्रिप में सफाई वगैरह करके साफ़ करके उसको स्ट्रिप को दोबारा लगाएंगे तो उसमें में भी हो सकता है कि कीबोर्ड काम करना शुरू कर दे, जो उसमें नॉर्मल जो इशू होता है वो यही वाला होता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया, प्रमोट किया और मेरे वीडियो को लाइक भी किया और अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग भी की, और कईयों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं आपसे ये माजर करता हूँ, सम टाइम ये होता है कि मैं अपने कामों में बिज़ी होता हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर आंसर नहीं दे सकता। तो इसमें जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं कई वीडियोज़ में वो लिंक किया हुआ है, उसमें मेरी वीडियोज़ में वो आगे बार शो हो रही होती है, उस पर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई इस तरह का इशू है तो आप व्हाट्सएप से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, ताकि अगर कोई भी इशू वगैरह हो रहा हो या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उसका रेजोल्यूशन जो भी हो सकते अतुल साहब मैं बताऊंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं और भी मेरे पास जो भी इश्यूज आते हैं या जो भी चीज़ रिप्लेस होने के होते हैं, मैं आप लोगों को साथ वीडियो बना के शेयर भी करता रहूँगा। और इसके बाद अभी मैं प्रिंटर्स की घरारियों वगैरह के सेट के जो टाइमिंग वगैरह होती है, बाद प्रिंटरों में ये है कि उसकी टाइमिंग वगैरह होती है, ग्रारियों वगैरह लगाने का तरीका और उसके लॉक्स वगैरह और उसके स्प्रिंग वगैरह लगाने का तरीका, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आप लोगों का दोबारा से तहे दिल से मशकूर हूँ, कि और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।